भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक देश है और इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में 18 वर्ष की आयु के हर बालिक को वोट का एक हक मिला हुआ है। हम अपने मताधिकार से अपने मनचाही सरकार बना सकते हैं और जो सरकार हमारे हितों पे कुठाराघात करे हम उस सरकार को बदल सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई इस कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई है। और ये लड़ाई इसलिए है कि आज की कांग्रेस पार्टी की सरकार पूंजीपति व्यवस्था में और तानाशाही प्रवृत्ति में आस्था रखती है। दोस्तों, मेरी उम्र तक के लोगों ने तानाशाही वक्त के वो जमाने देखे हैं जब इस देश में अंग्रेज का राज था। हमने राजाओं के राज देखे हैं, बादशाहों के राज देखे हैं, जहां ना कोई अपील होती थी, ना कोई दलील सुनी जाती थी, ना कोई वकील किए जाते थे। और ठीक वही हालात आज इस देश में पैदा हो रहे हैं। आज इस देश की दौलत सिमट करके मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियों में कैद होती जा रही है। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी, रोहतक के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ पंखे चोरी करने के मुकदमे दर्ज हुए थे आज उनकी कॉलोनियां कट रही है, आज वो हजारों करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। और ये आज का हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसे लोग आज भी कहते हैं ये बेचारा मुख्यमंत्री है, इस बेचारे मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा प्रदेश की दौलत को दोनों हाथों से लूट करके दौलत के अंबार लगाए हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश में नौकरियां नीलाम हो रही है, ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, जो कोई सरकारी परचेज होती है उसमें पैसे खाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज सीएजी की रिपोर्ट है, चीफ अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट छपी है कि हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार में जहां लोग बिजली के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की बिजली आज दिल्ली को जाती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके राज्य में बिजली कहां से आती थी, मैंने कहा हम जनता के द्वारा चुने गए थे और हम जनता को लाभान्वित करने के लिए हर कीमत पर उनको बिजली मुहैया करा करते थे। आज की कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये दिल्ली की सरकार है, इसलिए हरियाणा का पानी और बिजली आज दिल्ली को जा रहा है 7.25 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बिजली खरीदी जो दूसरी बिजलियों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा कीमत की थी। और सीएजी की रिपोर्ट यह है कि उसमें 101 करोड़ का घाटा सरकारी कोष में हुआ है। ये जो वोल्वो बसें खरीदी गई हैं, इसमें 100 करोड़ का घपला हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान में 100 करोड़ का घपला हुआ है, हर मामले में आज सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है, दौलत के अंबार लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब दिखाई दे गया कि मौत इनके सिराने खड़ी है, इसलिए ये सोचे बैठे हैं कि दोबारा तुम सत्ता में नहीं आओगे, इसलिए जाते जाते हरियाणा प्रदेश की दौलत को लूट के साथ ले जाना चाहते हैं। आज तक तो संसार में कोई पैसा साथ लेकर के गया नहीं, और अगर ये कांग्रेसी लुटेरे साथ लेकर के चले गए तो ये विश्व का 8वां अजूबा होगा। हमने 7 अजूबे तो किताबों में पढ़े हैं, परमात्मा ये 8वां अजूबा पढ़ने का अवसर प्रदान ना करे। चले गए दुनिया से जो दुनिया के बानी थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जिस सिकंदर ने सारे संसार की दौलत लूटी थी और उसकी पैसे की इतनी भूख बढ़ गई थी कि उसने मुसलमान की कब्र खोद करके भी पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि मुसलमान को जब दफनाया जाता है तो हैसियत के मुताबिक उसके मुंह में गिन्नी सिक्का और चांदी दी जाती है। सिकंदर वो पैसे भी साथ लेकर के नहीं गया, और इन बेचारों को ले जाने भी कौन देगा। आपकी सरकार बनेंगे, हम सत्ता के भूखे लोग नहीं है। मैं ईमानदारी से खुल के आपको एक बात कहना चाहता हूँ, राज की सारी मौज हमने लूट रखी है। आपको ध्यान होगा 1989 में चौधरी देवीलाल सर्वसम्मति से इस देश के प्रधानमंत्री चुने गए। अगर उन्हें राज की इच्छा होती तो मनमोहन सिंह की तरह वो भी 5 वर्ष तक इस देश की हुकूमत की मौज लूट सकते थे, लेकिन संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व के मालिक ने अपनी बात को निभाने के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, विश्वनाथ प्रताप सिंह को राजगद्दी सौंपकर इस देश के किसान
और कमेरे के अधिकारों के लिए संघर्ष में आखिरी सांस तक जूझते रहे थे। सत्ता की लेश मात्र भी इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा जरूर है कि आपके सहयोग और समर्थन से तो फिर निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में भी आपकी सरकार बनेंगे, और जब हरियाणा में आपकी सरकार बनेंगे तो इन लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा और जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई, चाहे किसी ने विदेशी बैंकों में जमा करा रखी हो, चाहे अपने घर में लूट के रखी हुई हो, वो सारा पैसा आपके विकास के कामों पर खर्च किया जाएगा ताकि हरियाणा प्रदेश एक विकसित प्रदेश माना जा सके। इसके लिए आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि इस प्रजातांत्रिक प्रणाली की कायमी के लिए और पूंजीपति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आपको धर्म मजहब जात पात की दीवारें तोड़ करके झंडे के नीचे जमा होना पड़ेगा। दोस्तों, अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीने जाया करते हैं, और अधिकार हासिल करने के लिए आज के युग में सबसे बड़ी शक्ति है जनशक्ति है। अगर तीर और तलवार में ताकत होती, तोप और बंदूक में ताकत होती, तो इस देश से अंग्रेज कभी सत्ता छोड़ करके ना जाता। उसके पास बहुत साधन थे, लेकिन जनता के दबाव के आगे उसकी एक भी नहीं चल पाई थी। इसलिए इस पूंजीपति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की दौलत को लूट करके मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियों में कैद कर दिया। पूंजीपति के पैसे से अपनी सरकार बनाते हैं, और जब इनकी सरकार को खतरा हो जाए तो फिर पूंजीपति के पैसे से पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबरों का ईमान खरीद करके अपनी कुर्सी को बचाने करते हैं। आपको याद होगा, मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार बचाने के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, आपने देखा होगा स्पीकर के आगे मेज के ऊपर करोड़ों पार्लियामेंट के मेंबरों ने करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल रख करके ये कहा, हमें पैसों से खरीदा जा रहा है। इस देश की समूचे विश्व के स्तर पर कितनी बड़ी बदनामी हुई होगी, लेकिन आपके इस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत जीतने के बाद जब पार्लियामेंट से बाहर निकला तो वी बना करके देश के लोगों को कह रहा था, मैंने जीत हासिल कर ली है, मैं जीत के निकला हूं, जैसे कोई किला फतेह करके आए हूं। अगर इनमें जीत करने की ललक होते, अगर इनमें गैरत और खुददारी होते, तो 26 नवंबर 2009 को इस देश 2008 को 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए और बंबई में 250 से अधिक लोगों को मार दिया था। सारे देश में 3 दिन तक इस प्रकार का वातावरण रहा जैसे कोई सरकार है या नहीं है। चाहिए तो इन्हें यह था कि उसी वक्त हवाई हमले करके पाकिस्तान के उन सभी प्रशिक्षण शिविरों को, ट्रेनिंग कैंपों को तबाह और बर्बाद कर देते, ताकि हमेशा के लिए पाकिस्तान का कलेश कट जाता। स्वाभिमानी है आज इजराइल के लोग जो अरबों के बीच में यूं बसते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ बसती है। फिलिस्तीन के लोगों ने उनके 2 आदमी मारने का काम, और उन्होंने उसी वक्त हवाई हमला करके उनके कई हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सारी दुनिया के सभी सरबराह उनकी मिन्नत करते रहे कि हवाई हमले बंद करो, और इजराइल ने कहा, नहीं, हम इनका कलेश काट के रहेंगे, ये हमें रोज रोज परेशान करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार के सामने इससे ज्यादा स्वर्ण अवसर नहीं आ सकता था, वो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर सकते थे। आज ये अमेरिका के आगे जाकर के भीख मांगते हैं, लेलड़ी गाते हैं, हमें बचा दो, हमें बचा दो। अरे, इन देश के उन बहादुर नौजवानों पर भरोसा करके रखो जिन्होंने हर लड़ाई में पाकिस्तान का कचुंबर निकालने का काम किया। आज उन जवान फौजियों की अनदेखी की जा रही है। 6वें वेतन आयोग के तहत राष्ट्रपति की तनख्वाह बढ़ती है, उपराष्ट्रपति की बढ़ती है, गवर्नर की बढ़ती है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बढ़ती है, आईएएस आईपीएस अधिकारियों की बढ़ती है, फौज के जनरल्स की बढ़ती है, लेकिन सीमा पर प्राण अथेली रख करके इस देश की सीमा की रक्षा करने वाले उस फौज के जवान की अनदेखी की जाती है, उस गरीब सिपाही की अनदेखी की जाती है, क्लर्क और मुंशी की अनदेखी की जाती है। ये पूंजीपतियों की सरकार हर सत्र के ऊपर गरीब की अनदेखी करती है, इसलिए इस पूंजीपति व्यवस्था को बदलना अति आवश्यक है। जंगे आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह को जब अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने कहा, नौजवान, तू बड़ा होनहार दिखाई देता है, तेरे चेहरे से बड़ा नूर टपकता है, उससे इस देश के लोगों को बड़ी आशाएं और उम्मीदें हैं, लेकिन तेरा जुर्म इतना संगीन है कि मुझको तुझे सजाए मौत देनी पड़ेगी, इसलिए अगर तू एक लाइन लिख करके दे दे कि मैं अंग्रेज की सरकार के खिलाफ बगावत नहीं करूंगा, मैं इस सरकार का तख्ता नहीं पलटूंगा, मैं इस सरकार को बदलूंगा नहीं, तो मैं तुझे बाइज्जत बरी कर सकता हूं।
तब शहीद आजम ने कहा मैं किसी सरकार का बागी और विद्रोही नहीं हूं, मेरा मंशा किसी सरकार का तख्ता पलटना नहीं, मैं किसी सरकार को नहीं बदलना चाहता बल्कि इस देश में प्रचलित इस पूंजीपति व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, जिस व्यवस्था के तहत इस कृषि प्रधान देश का मेहनत कश किसान पोमा की सर्दी में ठठुर कर जेठ साठ की लूओं में जलकर सावन भादों की काली और मे अंधेरी रातों में जहरीले सांप और बिच्छुओं की परवाह ना करके धरती माँ का सीना चीर के अपने पसीने से अन्न पैदा करके सारे संसार का भरण पोषण करने वाला गरीब किसान रात को चंद बाजरे और गेहूं के दानों के लिए तरसता हुआ अपने फूल से बच्चों के समेत भूखा सोने पर मजबूर हो जाए, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं जिस व्यवस्था के तहत इस देश का गरीब मजदूर जिसने पाताल छोड़ करके धरती में से लोहा और कोयला निकाल करके अपने पसीने के मिश्रण से जिसने सारे गमन सारे देश में आवागमन के साधन सुलभ करने के लिए रेल की पटड़ियां बिछा दी हों, अरावली पहाड़ की चोटियों को तोड़ करके जिसने सड़कों के जाल बिछा दिए हों, फाइव स्टार होटल बना दिए हों, बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हों, उस गरीब मजदूर को गर्मी और सर्दी में सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी नसीब ना होती हो, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं जिस व्यवस्था के तहत इस देश का गरीब शिल्पकार इस देश का कारीगर जिसने अपने परिश्रम से रेल की पटड़ियों पर रेलें चला दी हों, सड़कों पर बसें और कारें दौड़ा दी हों, एक दूसरे देश के लोगों का आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए जिसने हवाई जहाज उड़ा दिए हों, उस गरीब को स्वयं चढ़ने के लिए एक टूटी साइकिल नसीब ना होती हो, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों हमारी में कोई राज करने की नहीं, इस देश में प्रचलित इस पूंजीपति व्यवस्था को और तानाशाही प्रवृत्ति में आस्था रखने वाले इस कांग्रेस का सूपड़ा साफ करना चाहते हैं, ये अधिकार आपके पास है, इसलिए चूक मत जाना, धर्म मजहब जात पात के नाम पर आप हटने के अनेक प्रयास किए जाएंगे, आप प्रयास के प्रयास रखें, इकट्ठे रहें, चट्टान की तरह मजबूती से अपनी बात पर अडिग रहें,